हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। बेसिक फिजिक्स अपनी चल रही है, तो उसको आप पहले पूरा पढ़ लो, कंप्लीट उसे कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 में हम आर्कमिडीज़ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आर्कमिडीज़ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो आर्कमिडीज़ का प्रिंसिपल है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आर्कमिडीज़ के प्रिंसिपल की हम स्टडी करते हैं। बेसिकली आर्कमिडीज़ का जो प्रिंसिपल है वो केवल एक ही चीज़ पर आधारित है, केवल एक चीज़ पर आपके पास आधारित रहता है। जैसा कि मैं दो डायग्राम बनाया हूँ, एक तो फिगर फर्स्ट बनाया हूँ, ठीक है, एक फिगर मैंने सेकंड बनाया हूँ, ठीक है, एक फिगर फर्स्ट बनाया हूँ, एक फिगर सेकंड बनाया हूँ। तो इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है वो देखते हैं। इस फिगर में मैंने इसको किसी एक हैंगर से एक ब्लॉक टांग दिया है, ठीक है, ब्लॉक अटैच कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने 4 न्यूटन फोर्स से अटैच किया है, ठीक है, 4 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है। अगर मैं इसे डिप करूँ, बेसिकली मैं इसे डिप करूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिप किया, डिप करने से पहले की, बाद में कंडीशन डिप करने की है, डिप करने से पहले की कंडीशन ये है। जैसे मैं डिप करूँ तो इसमें डिप करूँगा तो ये कंडीशन आएगी, तो डिप करने से पहले की कंडीशन देखी तो मैंने इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है, इस पास वाले टैंकर में या कंटेनर में कोई फ्लूइड नहीं है, तो इसको ये 0 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इस पर डिप कर दिया, इसे डिप कर दिया, तो जितना 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 ये डिप हुआ है, जितना ये डिप हुआ है, जितना ये आपके पास डिप हुआ है, वहाँ उसके बाद जो फोर्स हुआ मान लीजिए 2 न्यूटन हुआ, ठीक है, और जितना डिप हुआ है उतना वॉल्यूम जो भी फ्लूइड का है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होकर इस पाइप के थ्रू इस कंटेनर में आ जाएगा, और जिसका मैं वज़न नापूं तो वो भी 2 न्यूटन होगा, वो भी आपके पास 2 न्यूटन होगा। मतलब मैंने जितना यहाँ से जो फ्लूइड है डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वो आकर यहाँ पर आ गया है। मतलब जो भी आपके पास फ्लूइड होगा वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा, और वो डिस्प्लेस हुआ हुआ फ्लूइड का वेट लगाए गए फोर्स के वेट के जो भी अपथ्रस्ट फोर्स है, जो भी डिस्प्लेस करता है, उसके लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसके बराबर होगा। कैसे, जैसे यू बराबर एफ वी बराबर रो वी जी, रो वी जी एक फॉर्मूला है, आगे इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, v बराबर रो वी जी आपके पास फॉर्मूला है, इसकी आप स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और v वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो ये ब्लॉक का वॉल्यूम है वो इमर्ज्ड हुआ है, इसका वॉल्यूम है, जो आपके पास इमर्ज हुआ है उसका वॉल्यूम है। ये हम अभी इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, इसकी अभी चर्चा करते हैं या इसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, जो हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं उसी बातों को ही यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है। प्रीवियस पढ़ के आए हैं उन्हीं बातों को हम यहाँ पर काम में लेंगे। प्रीवियस में क्या पढ़ के आए हैं, ये आपके पास कंटेनर है, यहाँ पर मैंने उस सॉलिड को इमर्ज कर दिया है, इस सॉलिड को यहाँ पर मैंने इमर्ज कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको पूरे में फ्लूइड
भर दिया है, ये कितना, जितनी इसकी आकृति है, जितनी इसकी शेप है, उतना ही ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ये फ्लूइड बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। इसको मैंने फ्लूइड से भर दिया है, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको फ्लूइड से भर दिया है। अब क्या करूं मैं इसे, यहाँ जो सरफेस है, मेन सरफेस है, उससे हाइट इसकी पहले सरफेस की H1, पहले जो सॉलिड की H1 और लास्ट वाले सॉलिड की सरफेस से H2 हाइट ले ली मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग गया, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग गया। यहाँ से जितना भी ये फ्लूइड होगा, जो भरा हुआ होगा इस सॉलिड में, उतना ही फ्लूइड बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना ही फ्लूइड, जैसे ये फ्लूइड्स में भरा हुआ है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास फ्लूइड में भरा हुआ है, इतना ही आपके पास बाहर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, इतना फ्लूइड आपके पास बाहर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इतना फ्लूइड आपके पास बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इतना वाला, ठीक है। तो अब हम मैंने क्या किया इसमें, यहाँ से कोई फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से जो भी फोर्स लगेगा, मान लीजिए यहाँ से फोर्स लग गया और यहाँ से भी फोर्स लग गया, इस पर प्रेशर लगेगा, यहाँ से इस सरफेस पर प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी प्रेशर लगेगा, और दोनों प्रेशर की डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट है दोनों प्रेशर की डायरेक्शन, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों प्रेशर को, तो एक फोर्स बन जाएगा। और फोर्स का अब फोर्स नेट देखें, यहाँ पर जो नेट मैग्नीट्यूड देखें, तो इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपने पास फोर्स आएगा, जो भी फोर्स इस पे एक्ट होगा, कह तो इस वर्टिकल प्लेन में ही एक्ट होगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में ही एक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ से जो प्रेशर लगा है, जो यहाँ से H1 हाइट पे जो प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा H1 हाइट पे प्रेशर कितना लगेगा, रो जी H1 प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ से लास्ट सरफेस पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, रो जी H2। नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है और नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो हम अब देखते हैं कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा। तो इस फ्लूइड का नीचे की तरफ सबसे पहले मानू फोर्स mg लग गया, ठीक है, और इस सरफेस पर आपके पास जो फोर्स लग गया F2 मान लूँ, नीचे की तरफ जो फोर्स लगा उसे F2 मान लूँ, और ऊपर की तरफ से जो फोर्स लगा उसे F1 मान लूँ, ठीक है। और F2 किसके बराबर होगा, ये मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से F2 किसके बराबर होगा, F2 बराबर जो प्रेशर लगेगा P2 इंटू इसका एरिया, इसका जो एरिया है वो, यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा, F1 बराबर P1 इंटू एरिया, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब चर्चा करें, इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स एफ नेट, ठीक है, एफ नेट्स सारे एफ नेट जीरो होंगे, ऊपर की डायरेक्शन के नीचे की डायरेक्शन के जो भी नेट फोर्स है वो जीरो होंगे, कितने फोर्स लगेंगे वो देखिए, नेट फोर्स जीरो होगा तो कितने फोर्स लगेंगे, एफ वन ऊपर की तरफ से mg भी इस तरफ प्लस mg, ठीक है, और नीचे की तरफ से F2 फोर्स, ठीक है, और mg किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, F2 माइनस F1, ठीक है। ये mg किसका वेट हो गया, इस सॉलिड का वेट हो गया जो डिस्प्लेस हुआ है, तो mg को मैं क्या कह दूँ वायलेंट फोर्स मतलब जो इसको डिस्प्लेस करने पर जो फोर्स लगा है वो फोर्स हो जाएगा, FB हो जाएगा, ठीक है, जो इतना डिस्प्लेस होगा, mg का
जो वेट है वो डिस्प्लेस होगा, वो किसके वॉयलेंट फोर्स के बराबर होगा। वॉयलेंट फोर्स क्या है, किसने बताया था वॉयलेंट फोर्स का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने बताया था वॉयलेंट फोर्स का सिद्धांत। ठीक है, तो आपके पास mg हो गया वॉयलेंट फोर्स के बराबर, तो इसको मैं fb के बराबर ही लिख दूं, तो fb बराबर F2 की वैल्यू लिखूं P2A माइनस P1A। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इंटू ए, ठीक है, P2 माइनस P1 इंटू A। अब P1 और P2 की वैल्यू अपन निकालते हैं। ठीक है, मैं ऊपर निकाल रहा हूँ P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर मैं P1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो P1 इस पे P1 लग रहा होगा, इस पे P1 फोर्स, P1 प्रेशर लग रहा होगा, तो ऊपर वाली सरफेस पे आपके पास P1 प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ से P1 बराबर क्या होगा, यहाँ मैं अलग डायग्राम बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास P1 प्रेशर लग रहा होगा, और कितनी हाइट नीचे है, ये ऊपर से H1 हाइट नीचे है, और H1 हाइट नीचे होने के कारण प्रेशर कितना बढ़ेगा, रो जी H1 प्रेशर आपके पास बढ़ेगा। तो P1 लिखूं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऊपर वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर ये वाला, प्लस रो जी H1। ठीक है, P2 लिखूं, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 लग रहा है। ठीक है, तो P2 लिखूं मैं, तो P2 बराबर P0 रो जी एच, ये वाला ऊपर वाला, सबसे पहले रो जी एच, ये वाला रो जी एच ऊपर वाली सरफेस के कारण जो प्रेशर क्रिएट हुआ है नीचे की तरफ बढ़ेगा, जो नीचे बढ़ेंगे जब प्रेशर बढ़ेगा, तो ऊपर वाली सरफेस से पहली वाली सरफेस पर आने पर जो प्रेशर बढ़ा है रो जी एच। ठीक है, रो जी एच वन, और नीचे वाली सरफेस पर आने पर जो प्रेशर बढ़ेगा रो जी एच टू, प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, ये आपके पास हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, एक जो ये वॉयलेंसी फोर्स है, ये वॉयलेंट फोर्स है, जिसे हम वॉयलेंसी फोर्स भी कहते हैं, जो वॉयलेंसी फोर्स है F2 जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इफेक्टिव कौन है इन दोनों में से, F2 और F1 में से इफेक्टिव कौन है, F2 इफेक्टिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो F2 इफेक्टिव है, तो F2 किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, अपवर्ड इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है, अब मैंने P1 और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देनी है, तो FB बराबर P2 की क्या वैल्यू है, P0 प्लस रोजी, इसमें से रोजी कॉमन ले लूँ तो H1 प्लस H2 बच जाएगा आपके पास, H1 प्लस H2 माइनस P1 की वैल्यू रखूँ तो P0 प्लस रोजी H1। ठीक है, और मल्टीप्लाई A कर दीजिए, अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दीजिए, तो मैं अब इस डायग्राम को इस तरफ से मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दीजिए, तो FB बराबर P0 प्लस रो जी H1, यहाँ पर रो जी H2 प्लस रो जी H2 माइनस P0, और यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस रो जी H1। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, और पूरे से आप A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे से A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए, H1 से रोजी H1 से रोजी H1 कट गया, P0 से P0 कट गया, तो FB बराबर रोजी H2A। ठीक है, अब H2A क्या है, यहाँ से ऊपर सरफेस से आपके पास क्या H2 हाइट हो गई, H2 हाइट हो गई,
ऊपर से सरफेस से एच टू हाइट हो गई, क्या हाइट हो गई, और हाइट इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया, क्या आपके पास हाइट इंटू एरिया क्या हो गया, हाइट इंटू एरिया वॉल्यूम, तो रो जी वी आपके पास वॉल्यूम हो गया, ठीक है, रो जी वी वॉल्यूम हो गया, तो रो जी वी, तो वॉल्यूम आपके पास किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, इमर्ज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज हो गया, ये डेंसिटी हो गई आपके पास, डेंसिटी ऑफ फ्लूड, ठीक है, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूड हो गई, ये आपके पास फोर्स हो गया एफ बी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो हम जो पढ़ रहे थे वो एक बार फिर से देखिए, ये जो सॉलिड है वो मैंने इमर्ज किया था किस में, फ्लूड में, ये मान लीजिए मैंने सॉलिड है जो फ्लूड में इमर्ज किया था, ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने ली थी हाइट h1 और ये हाइट मैंने h1 ली थी और ये हाइट आपके पास मैंने h2 ली थी, ठीक है, इस सरफेस से लेके इस डिस्टेंस तक मैंने हाइट h2 ली थी, अगर गलत ले लिए तो आप इसको सही कर लोगे, इस डिस्टेंस, इस पूरे सिलेंडर की हाइट तो h2 है और ऊपर सरफेस से इस सिलेंडर, सिलेंडर की पहली सरफेस तक की हाइट h1 है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला बना था अपने पास क्या बना था, p2 माइनस p1 इंटू ए, ये फोर्स का बना था, जो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आया था p2 की वैल्यू क्या थी, p0 प्लस रो जी h1 प्लस h2, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया क्या आएगा, ऊपर हाइट से चालू करोगे हाइट से, तो यहाँ पर एटमोसफियर प्रेशर पी नोट, फिर यहाँ से एच वन प्लस एच टू, तो आपके पास पी नोट प्लस रो जी एच वन प्लस एच टू, यहाँ तक आने पर सरफेस पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आने पर जो आपके पास प्रेशर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, रो जी एच वन प्लस एच टू आपके पास प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, फिर मैंने किया था माइनस पी वन पी नोट प्लस रो जी एच वन, ठीक है, इंटू ए, ठीक है, तो मैंने टोटल निकाला था, पी नोट से पी नोट कटा था, रो जी एच वन से रो जी एच वन कटा था, तो आपके पास बचा था रो जी एच टू इंटू ए, एच टू ए इस से इस पूरे सिलेंडर की हाइट एच टू है, तो एच टू इंटू ए क्या आपके पास वॉल्यूम बन गया, और ये आपके पास फोर्स हो गया, इसे बोयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रो आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूड, ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, सॉलिड इमर्ज्ड, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको आर्किमिडीज ने कैसे समझाया था, ठीक है, ये आपके पास बोयलेंसी फोर्स आ गया रो वी जी, ठीक है, रो वी जी यहाँ पर अपने ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्या पढ़ा था अपने ने यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ
ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इमर्ज्ड, ठीक है, ये बात अपने ने की थी। और यहाँ पर इसको वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, इतना ही फ्लूड आपके पास बाहर निकल के आएगा, ठीक है, बाहर इतना फ्लूड निकल जाएगा, ठीक है, इसको वॉल्यूम ऑफ फ्लूड भी कह सकते हैं। जो डिस्प्लेस आगे लिख सकते हो, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा आप डिस्प्लेस कर सकते हो वो फ्लूड का वॉल्यूम हो जाएगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, जो डुबाया गया है उसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट जो डुबाया गया है उसका भी वॉल्यूम लिख सकते हो। और यहाँ पर हमेशा डेंसिटी ऑफ फ्लूड लिख सकते हो। जो नया फॉर्मूला आपके पास आया है एफ बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख सकते हो, इसको एफ लिख सकते हो जी, ये आपके पास नया फॉर्मूला आया है, इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयलेंट सी या बॉयलेंट फोर्स, ठीक है, भी आप इसे कहते हो, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं इसी में अपीरेंट वेट, आभासी वेट, ठीक है। इस प्रकार के वेट में आप देखते हो, जैसे आप फ्लूड में, किसी भी फ्लूड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉक्स या आप डिप करते हो, तो डिप करने के बाद जो वेट है वो डिफरेंट होता है, एयर के वेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, एयर के वेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कैसे डिफरेंट होता है। तो ये आपके पास बॉक्स रहा, कंटेनर रहा, इसमें फ्लूड भर दिया गया, ठीक है, फ्लूड भर दिया गया, ठीक है। अब इसमें जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स मान लीजिए, इसे वुडन बॉक्स है, इसमें डिप कर दिया गया, क्या डिप कर दिया गया बच्चों, वुडन बॉक्स डिप कर दिया गया, ठीक है। अब इस पे बॉयलेंसी फोर्स है, या फिर जो हम कह रहे हैं बॉयलेंसी फोर्स है एफ बी, नीचे की तरफ से लगेगा एफ फोर्स, ठीक है, एम जी नीचे लगेगा, एम जी को मैं वेट कह दूं, ठीक है, ये नीचे की तरफ से लगेगा, और ये आपके पास एफ ऊपर की तरफ लगेगा और डब्ल्यू नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसमें, एफ बराबर डब्ल्यू माइनस यू, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये तो आपके पास हो गया अपीरेंट वेट के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वेट जो एयर के कारण, और ये यू जो यू मान लीजिए या एफ बी मान लीजिए, एफ बी कौन सा एफ बी, अपीरेंट फोर्स, या फिर इससे आप कह दीजिए बॉयलेंट फोर्स, ठीक है, के कारण जो वेट होगा, जो एयर में वेट होगा उसमें से आप माइनस कर दीजिए, एफ ऊपर की तरफ लगेगा, एफ बी ऊपर की तरफ लगेगा, डब्ल्यू नीचे की तरफ लगेगा, यानी डब्ल्यू बराबर एम जी। तो आप अपीरेंट वेट की क्या परिभाषा दोगे, अपीरेंट वेट की क्या परिभाषा दोगे, इन एयर जो वेट है इन एयर माइनस वॉयलेंट फोर्स, ठीक है। ये भी एक वेट क्या है, फोर्स का फिनोमिना है, और ये दोनों भी फोर्स के फिनोमिना है, क्योंकि W बराबर क्या होता है mg। तो आपके पास अपीरेंट वेट क्या हो जाएगा, ये वॉयलेंसी फोर्स जो आपने डिप किया है, जो डिप किया गया है वो घटा दोगे एयर में से,
तो आपके पास जो अपरियंट वेट की परिभाषा है ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम समझ रहे हैं कि अपरियंट वेट क्या होता है। ठीक है, अपरियंट वेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो डिप करने के बाद जो अपने वेट जो होगा वो एकदम एयर से अलग वेट होगा। ठीक है, एयर से अलग वेट होगा, जो अपने पास डिप करने पर जो बॉयलेंट फोर्स है, बॉयलेंट फोर्स लगा है आपके पास एफ बी और एम जी नीचे की तरफ लगा है, और इसे अगर हम एफ ऊपर की तरफ से लगा दें, एफ ऊपर की तरफ लगा दें, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, F बराबर F प्लस एफ बी बराबर W, तो F बराबर W माइनस एफ बी, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। तो जो ये फोर्स होगा, जो अपरियंट जो वेट के कारण जो फोर्स आएगा, एयर के कारण फोर्स माइनस वॉयलेंट फोर्स माइनस कर दोगे तो आपके पास अपरियंट फोर्स आ जाएगा, या फिर अपरियंट वेट कह दीजिए इसे, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अब चर्चा करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन, इसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही यूनिक टॉपिक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसकी चर्चा करते हैं। फ्लोटेशन का मतलब क्या है, आप जैसे अपन कभी नहाए होंगे, कभी भी नहाए होंगे आप, तो देखा होगा कि आपने एक बाल्टी होती है उसमें मग सीधा रख दीजिए, वो कभी नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही ऊपर रहता है, हमेशा वो इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने वाली सारी वस्तुएं, सारी सब्सटेंस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो कार्यरत रहता है, जीरो कार्य करता है या जीरो वर्क करता है, तो उसको ही हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। एक आप टैंक ले लीजिए वापस से, ठीक है, ये टैंक ले लिया, और आप जैसे इसमें कोई भी सब्सटेंस रखोगे तो उस पर वो सब्सटेंस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो सब्सटेंस है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उस पर फोर्स नेट फोर्स जीरो काम करेगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉयलेंट फोर्स के बराबर होगा क्या, वेट ऑफ बॉडी वॉयलेंट फोर्स के बराबर होगी क्या, और वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूड के बराबर होगी क्या, डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूड वेट के बराबर होगी क्या। इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यों जरूरी नहीं है हम देखते हैं, क्योंकि जो भी आपके पास वेट ऑफ बॉडी पे क्या लगेगा, एक mg लगेगा, ठीक है, किसकी तरफ, नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ वो ये वॉयलेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो। तो वेट ऑफ बॉडी वॉयलेंट फोर्स, वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूड वेट के बराबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों एफ बी और एम जी दोनों ही एक लाइन ऑफ एक्शन पे लगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि
लो फ्लोटेशन में फोर्स जीरो होगा, परंतु ये जरूरी नहीं है ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो। जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होगा जब ही ये फोर्स बराबर कर सकते हैं। एक कंडीशन लेते हैं कि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, जब फ्लोटेशन के नियम क्या होंगे, फ्लोटेशन क्या होगा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, तो हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, ये आप फ्लूड ले लीजिए वापस से, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी है, इसको मैं एस कह दूं बॉडी को, ठीक है, एस कह दूं, ए कह दूं, कुछ भी कह दूं, इस फ्लूड को एफ कह दूं, ठीक है। तो रो ऑफ एस बड़ा है रो ऑफ एफ, तो रो ऑफ बड़ा ही होगा क्योंकि ये तो ऊपर है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एम, जो वेट है इसका एम जी, ये नीचे की तरफ होगा, ये ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी इस पर, तो इस पर जो डेंसिटी है इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी, तो इसे इस कंडीशन में ये फ्लोट करेगा, यानी फ्लोटेशन होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में एस बड़ा हो गया, रो एफ छोटा हो गया, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये डूब जाएगा, तो इसे सिंक बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा केस है आपके पास रो एस बराबर रो एफ, यानी इस कंडीशन में आप देखोगे, इन दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में तो फ्लोटेशन होगा क्योंकि फ्लूड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो इसमें फ्लोटेशन होगा। और इसमें जो आपने जो बॉडी इमर्ज करी है, या जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया है, जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया है या बॉडी इमर्ज करी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो सिंक, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन में आप कहोगे लिमिटिंग फ्लोटेशन होगा, इस कंडीशन में लिमिटिंग फ्लोटेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फ्लोटेशन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो, सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे हो, तो क्या घटना घटेगी, क्या इवेंट होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, जो फ्लूड है आपके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, ये आपके पास सरफेस है किसी भी फ्लूड की, यहाँ पर कील लगा दीजिए, आपको पता लगे कि ये आपके पास सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास समुद्र है जिसकी सरफेस है, आपने दोनों तरफ कील लगा दिए समुद्र के, ठीक है। यहाँ तीसरी कील लगा दीजिए, चौथी लगा दीजिए, पांचवी लगा दीजिए, कितनी भी आप यहाँ पर कील ठोक दीजिए, ठीक है। इसमें फ्लूड भर दीजिए, क्या भर दीजिए, फ्लूड भर दीजिए, ठीक है। ये आपकी कोई भी बॉडी ले लीजिए, ऐसी मैंने बॉडी ले ली है, कोई भी आकृति, कोई भी डिज़ाइन की जो आपको पसंद लगे, ठीक है, उसकी आप बॉडी ले लीजिए। ये आपने लाइन ऑफ एक्शन ले लिया है और इस पर दो पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ, बी यहाँ पर लिया, जी यहाँ पर लिया, तो बी की तीन बातें होंगी, एक बी, ये जी बी के ऊपर होगा, जी बी के नीचे होगा, तो बिलो एट जी, ये बी जी के ऊपर होगा, तो मैं लिख दूंगा एट जी, जी के ऊपर। और नेक्स्ट बात कर दूंगा, ये बी नीचे होगा, बी ये नीचे हो गया और ये बी ऊपर हो गया, अब वो बी, ठीक है, अब वो जी लिखिए, जी के ऊपर हो गया, तीन केस ले रहा हूँ मैं, ये जी है जी, ये बी जी के ऊपर हो गया, ये बी जी के ऊपर हो गया और ये जी बी के ऊपर हो गया, और ये जी 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 के नीचे हो गया, और ये दोबारा से समझिए कि ये जी है आपके पास, जी के ऊपर बी हो गया और ये जी के नीचे बी हो गया और ये जी बी के ऊपर हो गया, तीन मैंने पॉइंट लिए यहाँ आपके पास,
ठीक है, ये तीन आपके पास मैंने पॉइंट लिए, तो इन पॉइंटों को, ये पॉइंट के लिए तो आप एक बात लिख दीजिए यहाँ पर, की पॉइंट के, की पॉइंट लिख दीजिए बी एंड जी आर सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये आपके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूँ, इसको मिटो रहा हूँ मैं, सबसे पहला केस ले रहा हूँ, ये B नीचे, G ऊपर है, ये B नीचे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ, इसको क्या कहूँगा मैं, सेंटर ऑफ बोलेंसी, इसको कहूँगा सेंटर ऑफ बोलेंसी, जिस पे क्या फोर्स एक्ट करेगा, एफ बी बोलेंट फोर्स, जो आर्किमिडीज ने खोजा था, वो फोर्स एक्ट करेगा इस पे, जो एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बोलेंसी पे एक्ट करेगा। तो इस पे लिख सकते हो द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच सी फो बोयलेंसी फोर्स एक्ट्स इज नोन एज सेंटर ऑफ बोयलेंसी, सी ओ बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सेंटर ऑफ बोयलेंसी हो जाएगा, जिस पे वह पॉइंट जिस पे बोयलेंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। जी को क्या लिख दूं मैं, जी को क्या लिख रहा हूं, इसको सेंटर ऑफ बोयलेंसी, ठीक है, सेंटर ऑफ बोयलेंसी को किससे डिनोट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ बोयलेंसी इज डिनोटेड बाय बी, सेंटर ऑफ बोयलेंसी डिनोटेड बाय बी, आप इतना नोट कीजिए, नोट कर दीजिए इतना, ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ये सेंटर ऑफ बोयलेंसी हो गया, ये सेंटर जी को क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लिखूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसको लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट एट विच यहीं अपना फोकस रखिए, द पॉइंट एट विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी ओ जी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करने से पहले तीन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तो वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, नेट फोर्स जीरो होगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, तो इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन होगी, एक होगा आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपके पास होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो इसे, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, ये आपके पास तीन पॉइंट होंगे। तो इन तीन पॉइंट में आप स्टडी करो, तो फर्स्ट पॉइंट में आप एक सरफेस ले लो, गोलाकार या स्फेरिकल सरफेस ले लो, ये आपने सरफेस ले लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉल ले लीजिए या फिर कोई पत्थर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप फोर्स लगा दीजिए, इस पर फोर्स लगाओगे तो ये वापस जाएगा, फिर इस स्थिति पे आएगा,
फिर फोर्स लगाया, फिर वापस जाएगा, फिर स्थिति पे आएगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। तो ऑक्सीलेट करने के कारण ये जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो ऑक्सीलेट करके अपनी पहले वाली प्रीवियस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, 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 स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की बात करें अपन, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा आपने? ये ऑक्सीलेशन करेगा, ये फोर्स लगाया तो ये ऑक्सीलेशन करेगा। क्यों? ये एक्स डिस्टेंस जाएगा, फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आएगा, फिर एक्स डिस्टेंस जाएगा, फिर प्रीवियस पोजीशन पे आएगा। तो ये एक्सीलेशन करने के बाद अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आता रहेगा, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये जो अपने ने कटोरा लिया, जो कटोरी कटोरा वाली सरफेस लिया, इसको उलट दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा करोगे तो आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करता रहेगा वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे। जो प्रीवियस स्टेट है ये वाली, इस पे नहीं आ पाएगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल पे आप बात करें तो ये आपके पास सरफेस है कोई, और इसमें क्या है? आप एक जो गेंद है वो ले रहे, ये एम वन स्थिति पर है, एम वन पोजिशन पर है, तो आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो एम टू पोजिशन पर आ जाएगा और ये रुक जाएगा, एम वन पोजिशन पर आके रुक जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है, ये ऐसे ये मोशन करता हुआ एम वन पोजिशन पर आके रुक गया, तो रुक गया। तो ये स्टेबल का भी पार्ट रखता है, अनस्टेबल का कैसे पार्ट रखता है? इसे वेलोसिटी दे, इसको फोर्स दे दिया तो फोर्स इस पर भी लगाया तो ये भी मूव करने लगा। तो अनस्टेबल का भी पार्ट इसमें है, स्टेबल का भी पार्ट इसमें, तो इसे न्यूट्रल पॉइंट कह देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस डायग्राम पे आ जाइए वापस से। ठीक है, अब जो ये डायग्राम है उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन। तो ये इसको आप कुछ, जो भी ये डायग्राम है इसको आप क्या कर दीजिए, कुछ एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दीजिए। थोड़ा आप समझना, एक्सटर्नल आपने प्रोवाइड कर दिया एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसी स्थिति आ जाएगी, कुछ ये घूम जाएगा और इसके जो पॉइंट है बिलो ऑफ जी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो ये बी है बिलो ऑफ जी होगा, तो जी तो ऊपर होगा, बी नीचे होगा, तो इस पे बी ऐसे एक्ट करेगा और जी ऐसे एक्ट करेगा और एक्सटर्नल अपने ने ऐसे दे दिया है, एक्सटर्नल ऐसे दे दिया है ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही आप घुमाओगे इसे, जैसे ओमेगा दे दिया अपन ने, तो जी भी नीचे की तरफ लग रहा है तो जी ज़्यादा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, सरफेस के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये जी एम जी ज़्यादा एक्ट कर रहा है, ये वेट एम जी ज़्यादा एक्ट कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करने का प्रयास करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मोशन करने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही ये मोशन करेगा तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस नहीं आ पाएगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। कब होगा अनस्टेबल? ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा? जब बी बिलो टू जी होगा, जब ये अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट डायग्राम में चर्चा कर रहे हैं, आप फिर से समझ लीजिए कि क्या किया है मैंने। बिलो पे बी है, बी बिलो जी, जी के बिलो पे है, तो ऊपर की तरफ तो वायलेंसी जो फोर्स है वो एक्ट करेगा, एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो एम जी ज़्यादा एक्ट करेगा क्योंकि एम जी ज़्यादा नीचे की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसी में ही इसे घुमाया गया है, तो उसी डायरेक्शन में एम जी जाएगा, तो एम जी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ये फिर जाता ही रहेगा। ये ऐसी पोजिशन बार बार नहीं बना पाएगा, तो ये हो गई आपकी अनस्टेबल। ठीक, अनस्टेबल हो गई। कब हो गई अनस्टेबल? बिलो टू जी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा उसकी डिस्कस करते हैं। वैसे ही आप समुद्र पर कील ठोक दीजिए,
ठोक दी हो तो अपन अब एक ये ऐसे ही बॉडी ले लीजिए, ठीक है, बॉडी ले लीजिए। अब अबो टू अबो ऑफ जी, जी के ऊपर ले लीजिए, अबो ऑफ जी, जी के ऊपर ले लीजिए, तो ये आपके पास बी ऊपर हो गया, नीचे जी हो गया, ठीक है। वैसे ही आप ओमेगा से इसे रोटेट कर दीजिए, इसे एक्सटर्नल मोमेंट भी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिसे इसे रोटेट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसको रोटेट कर दिया तो आप ऐसी कोई आकृति बन गई, कैसी भी आप आकृति बना लीजिए, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। बी ऊपर की तरफ हो गया, जी नीचे की तरफ हो गया आपके पास, ठीक है, और ओमेगा इसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगुलर लिख दीजिए यहाँ पर, एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी आपने दे दी है, एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी आपने दे दी है, जब क्या हो अबो द जी, ये बी क्या हो अबो ऑफ जी हो, ठीक है। तो ये इसकी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो एफ बी ऊपर की तरफ, प्रीवियस टाइम में जो भी वीडियो में हमने पढ़ा है तो उसमें एफ बी ऊपर की तरफ अपवार्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, और एम जी पर एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, और ये सेंटर ऑफ बैलेंसी, सेंटर ऑफ बैलेंसी, ठीक है, ये आपके पास सेंटर ऑफ बैलेंसी है, और इस पे आपके पास जो बैलेंसी फोर्स एक्ट करेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एक्ट करेगा, ठीक है। इसको ओमेगा इस तरफ दे रखा है, परंतु ओमेगा इस तरफ दे रखा है, परंतु ये किस तरफ जाने की प्रयास करेगा, ये आप देखोगे, ओमेगा इस तरफ दे रखा है तो आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाने का ऐसे प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि बी ऊपर है जी नीचे है, तो ये ज्यादा एक्ट कौन करेगा, जो ऊपर है ज्यादा एक्ट करेगा, ठीक है। ये ओमेगा इस ये एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा, एफ बी एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको हम घुमा किस रहे हैं क्लॉकवाइज, तो दोनों का जो सेंग दोनों का जो रिलेशन है बैठ नहीं पाएगा, ये क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जैसे ही हम किसी को किसी बॉल को हम फोर्स लगा के छोड़ देते हैं, तो इसको मैंने एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी लगा के छोड़ दिया है, तो उसके बाद में ये प्रीवियस पोजिशन पर आने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर ये इस तरफ मुड़कर प्रीवियस पोजिशन पर आने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी जो पोजीशन हुई आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो नेक्स्ट आपके पास है, इन दोनों को ही न माने वो न्यूट्रल हो जाएगी, दोनों को ही न माने न्यूट्रल हो जाएगी, जब आपके पास बी इस पे ही बी होगा और इस पे ही जी होगा, मैं दोनों को बराबर लिख रहा हूँ, क्योंकि जो सेंटर ऑफ बोयलेंसी है और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दोनों पॉइंट एक पे हो, तो ये एम जी लगाएगा, नहीं एम जी नहीं, ये आपके पास एक्ट करेगा, एफ बी ऊपर की तरफ, ये नीचे एक्ट करेगा एम जी, कौन सा, ये जी वाला एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी कहीं भी जाएगी नहीं, ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी नहीं जाएगा, फ्लोटेशन आपका कहीं भी नहीं होगा, वहाँ रुक जाएगी आपकी, जो आपने जैसे डिप कर दी है तो वहीं आपकी ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम तीनों को समझा रहे हैं, अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अब ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।